गाइज वेलकम बैक टू अर न्यू ब्लॉग। गाइज आज है 15th October सैटरडे और अभी हम जिम से वापसी आए हैं, मतलब जिम के नीचे ही हैं। आज हमने बाइक ट्राई किया है और भाई कल संडे भी जिम आना पड़ेगा क्योंकि मेरा शोल्डर और उसकी लेग बची है क्योंकि बहुत छुट्टियाँ मार ली हमने इस हफ्ते। तो कल संडे भी जिम आएंगे और स्टीम बाथ भी लेंगे। तो गाइज अभी जैसे कि हमने जिम किया है, मेरा बाएं हद से ज़्यादा वाला दुख रहा है क्योंकि फ़ोन पकड़ना औखा हो रहा है मेरे लिए। तो गाइज मैं पहले घर चलता हूँ, डाइट लेता हूँ और डाइट में मैं अब तो अंडे शुरू कर लिया यार, पहले तो मम्मी मना कर रही थी, तो मैं 4 अंडों का ऑमलेट और एक बनाना शेक पी लूँगा आफ्टर जिम डाइट पूरी अपनी। तो मैं घर चलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई जिम से निकलने के बाद आपा घर नहीं गए, हम आए हैं कटिंग कराने, तो इसने भी करानी है, मैंने भी करानी है, तो आपा चलते हैं। हमारे कटिंग वाले भैया भी बैठे हैं, मोनू भाई हैं हमारे जो हमारी कटिंग करते हैं। गाने सुनो भाई कितने अच्छे लग रहे हैं, देखना गाइस कंजोर है बिल्कुल। भाई मेरी कटिंग हो चुकी है लेकिन ये बंदा मसाज भी कराता है, देखना बहुत इसके दुनियादारी की सारी टेंशन है इसको, ये इसको मसाज करा दी है, फिर ये अपनी टेंशनों से मुक्त होएगा। करा रहा है, चलो करा दो, मैं तो नहीं कराता। भाई कटिंग कुटिंग अपनी हो गई है, इसने तो हेड मसाज भी कराई है, मैंने तो सिर्फ कटिंग कराई है और अब घर चलते हैं यार सीधा। पहले नानी के घर काम है, उसके बाद घर निकल जाऊँगा। मम्मी ने सफाई अभियान भी छेड़ा हुआ है घर पे, तो उसमें भी हाथ बटाना है, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो भाई यार जिम जुम से तो मैं आ गया था भाई, उसके बाद मैंने जब अपना डाइट वगैरह ले ली उसके बाद इतनी गंदी भयानक नींद आई, और यार नींद की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आ गई दिक्कत पता कहाँ है भाई, सुबह मतलब रात 1 बजे सो के सुबह 11 बजे उठाऊँ, मैं ऑलमोस्ट 10 घंटे सो चुका था भाई, उसके बाद इतनी भयानक नींद आई मेरे को। सुबह तो मैं जान के नहीं यार, क्योंकि फिर सुबह फिर जाना है स्टीम बाथ वगैरह लेने, अगर अभी सो जाता मैं तो फिर वही दिक्कत है कि सुबह मतलब पूरा शेड्यूल हिल जाता यार। एक तो पीर मशाला का बैरियर पास है ना भाई, पूरा जाम हो जाता है। एक सेकंड ठहरो, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखना ये पूरा जाम है, अब मैं रॉन्ग साइड निकाल लूँगा गाड़ी, वो सामने से भी गाड़ी आ रही है और ऋत्विक का घर भी उसी साइड है, तो रॉन्ग साइड अभी निकाल ली तो रॉन्ग साइड ही पड़ेगी भाई, इधर से तो ऐसे सीधे रास्ते तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी ऋत्विक के साथ मतलब यार घूमने जा रहा हूँ, अभिनव को कॉल किया था, वो कह रहा है यार मैं निकल गया अपनी बहन उनके साथ, तो फिर अब ऋत्विक को ले मतलब घूमने निकलेंगे यार कहीं, तो घर पे भी बोर ही होना है, तो एक बार मैं उसको उठा लूँ यार और यहाँ से एक बार गाड़ी निकाल लूँ, क्योंकि ना थोड़ा डर सा रहता है भाई। ये तो नहीं खुलता, ये जाम ही हो चुका है, आगे जब तक लोग अब निकाल लेंगे नहीं तब तक खुलना नहीं है। तो मैं सोचा मैं ब्लॉग ही कर लेता हूँ भाई, कल तो मैं ब्लॉग कर नहीं पाया था, कर क्या मैं बीमार हो गया था, कुरुक्षेत्र से एग्जर्शन इतनी ज़्यादा होगी भाई कि पूरे दिन मैं सो रहा था कल, इसलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं किया। अब आज भी मैं लेट ही उठा तो अब व्लॉग कर रहा हूँ। जिम जुम से तो मैं आ गया था भाई, इतना गंदा, ये हर रोज का ही है भाई ये, और ये मतलब बैरियर से लेके ना मतलब 20 की टी तक जाता है ये जाम, इतना गंदा जाम है ये, देखना पूरा आगे भाई। लोग भी थोड़े ऐसे ही होते हैं यार, जो आने वाली जगह वहाँ पर जाने वाली गाड़ी घुसा देंगे वहाँ पर। भाई हमारा कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा जाना का है, कह रहे हैं एक दुकान पर चलते हैं, वहाँ पर कुर्ते पजामे पता करके आते कितने के मिल रहे हैं यार। पहले ऐसा होता था कि बियर भाई होता था, अब तो कैनेडा चला गया, तो अगर हम बोर भी हो रहे होते थे एक ही ठिकाना था 25 सेक्टर, चलो भाई मिल जाएगा, वो भी उत्सुक रहता था हमसे मिलने के लिए। भाई जा चुके अब कोई हमारे पास चार ऐसा लग नहीं रहा कहाँ जाए। 25 सेक्टर वाली जगह से तो हमारा नाता टूट ही चुका है, पंचकुला के एक्सटेंशन से तो हम वाकिफ ही वहाँ जाते नहीं है, गगर गुगर का कोई काम होता है तेराना तुरुना तो हम निकल जाते हैं, वैसे तो हमारा कुछ अब है नहीं, देखते हैं चलो। कोई भाई बंधु भी नहीं है जिससे हम मिल सके इस टाइम, सारे भाई बंधु अपनी अपनी थाव पे निकले हुए हैं। तो भाई आप आ चुके हैं रूपक, पेड़ों के भी पीछे छुपा हुआ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो हम रेट ही पता करने आए हैं, भैया को ऐसे लगेगा हम लेने आए हैं पर हम लेने नहीं जा रहे हैं, हम रेट पता करने जा रहे हैं। इसको चूल है पता नहीं क्या, इसको चूल है लेना है दिवाली पे, सोच रहा हूँ कुर्ता पजामा पहन लूँगा। अच्छा अच्छा बात तो सही है वैसे, तो चलते हैं मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, भैया भैया की बढ़िया दुकान है पजामे पजुमे मैं वहीं से लेता हूँ, तो चलते हैं एक बार ऊपर। मेरी तो बेइज्जती हो चुकी है, मेरे साइज का कुर्ता ही नहीं है, इसको देखो भाई अभी क्या इसके क्या दिखा रहा है इसके साइज का सब कुछ है, मैं देखता हूँ मेरी ड्रेस फिर से देखो, निक्कर पहन के आ गया कुर्ता पजामा ट्राई करने के लिए। अब देखते हैं, मैं तो टी शर्ट वर्ट देखूंगा कोई मिलती हो, ये तो निकल जाएंगे और क्या। तो गाइस अपन अभी डी मार्ट जा रहे हैं, घर से काम आ गया था कि डी मार्ट जाना है भाई, वही पीर मशाला के बैरियर पे आपा फंस चुके हैं भाई, इतना जाम है और यहाँ पे इतनी अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं ना, जो अपनी गाड़ियाँ इतनी अजीब तरीके से उड़ाते हैं
मैं बता नहीं सकता, कोई फुटपाथ पे चढ़ा रहा है, कोई गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा रहा है, बाकी एक्टिवा वालों को तो अता पता ही नहीं है भाई, वो कहीं से भी जा रहे हैं भाई। ऐसा लगता है टू व्हीलर वालों को तो भगवान की ग्रांट मिली हुई है, कहां जहां भी जगह हटा दो। हाँ भाई, और अभी तो मतलब बैरियर ही आया है, आगे डीमार्ट तक पूरा जाम है, घर वालों का फोन आया है वापसी पे हो पहुंचे तो है नहीं, क्या वापसी पे हो। तो यार अभी जा रहे हैं, ये चलता रहेगा, जो भी मुश्किल रहते हैं उनको पता ही होगा भाई, ये हर रोज का काम है, ये नया बात नहीं है कोई। त्रित्विक भाई तो कह रहा था दूसरे रास्ते चलते हैं, मैं अट गया, मैं कह नहीं हम इसी रास्ते जाएंगे, तो देखते फंसे हुए हैं बस और क्या। आपका काफी मशक्कत करने के बाद जाम से निकलने के बाद डीमार्ट आ चुके हैं, सामान समूल लेते हैं, दिखाता हूँ आपको डीमार्ट के अंदर का व्यू, कुछ ऐसे खास है नहीं वैसे। चलो है भाई, हाँ चलो चलते हैं अंदर, चेकिंग वगैरह करूँ मैं पहले अपनी। डीमार्ट से आ चुके हैं भाई, इतना भयंकर रश है ना अंदर, लोग गिफ्ट लेने के लिए मतलब इतना भीड़ उमड़ी हुई है ना अंदर, दिवाली की शॉपिंग हो रही है। बढ़िया, चलो माहौल अच्छा था, अपन अपना सामान सुमून तो ले लिया, मैं निकलूंगा घर और वापस, रश में तो फंसना है ही हमने। चलो देख लीजिएगी, अब मैं इसको बस एक बार छोड़ूंगा घर पे इसके, उसके बाद फिर मैं सीधा अपने घर निकल जाऊंगा, देखते हैं उसके बाद क्या प्लान है। मैं सोच रहा हूँ आज ब्रूनो के साथ रात को आइसक्रीम खाने जाया जाए, तो देखते हैं, चलता हूँ पहले घर फिर मिलता हूँ आपसे, मैं गाड़ी चला लूँ यार, मेरा रोड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है एज यू नो, तो मिलता हूँ बाद में। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैंने अभी डिसाइड किया कि ब्रूनो और मुझे गाड़ी मंगेगा, काफ़ी टाइम हो चुका है, तब हम गेड़ी पे जा रहे हैं, एक आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, मैं जा रहा था, मैं इसको भी लेके चलते हैं, भाई का भी नीला कप फेवरेट है, काफ़ी टाइम हो चुका है भाई को भी नीला कप खाए, तो ये जाने को तैयार है, इसको गाड़ी में बैठाते हैं, भाई फ्रंट सीट पर मेरे साथ बैठेगा, उसके बाद आपका गेड़ी पर निकल जाएंगे। अच्छा तो चलते हैं गेड़ी पे। आइसक्रीम अपनी तैयार है और भाई को अंदर पता लग चुका है कि ये मेरे लिए आज माल पानी लाया है, तब इसको निकालते हैं गाड़ी में से और ये पागल होने वाला है आइसक्रीम देख के ही। अच्छा ब्रो ये देखो 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 ये ले, वे ये ले ये ले, ये पूरी सोसाइटी में घुमाएगा अब इसको। ये ऐसे साफ करता है ये कप को, ये ऐसा कुत्ता है मेरा, इसको भी खा गया देखिए, चलो पकड़ लिया, अच्छी तरह लपेटेगा। चलो गाइस मैं मिलता हूँ यार आपसे ऊपर जाके। तो भाई ब्रूनो के साथ आइसक्रीम खाने के बाद अब घर तो मैं आ गया था, और गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि
रात टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सुबह सुबह ना यार जिम भी जाना है, स्टीम बात वगैरह लेनी है, शोल्डर भी करना है, तो इस वजह से मैं तो बस सोने जा रहा हूँ। तो इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। वैस मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। और जिस जिस ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।